हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। तो चलिए, अपने इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस चैनल पर पढ़ने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिवा मोहर कहाँ मिली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। शिवा मोहर जो है ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? तो भरहुत स्तूप की खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जेड हार की खोज हुई थी, ये लोथल से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण डैश डैश किन आकारों में बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, ज्यामितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी। डोमाबाद जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति में जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, ये धौलावीरा से पाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां डैश डैश किस तकनीक से ढाली गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोम निकालकर बनाने की विधि। सिंधु घाटी से जो भी कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इनकी तकनीकी जो है वो है मोम निकालकर बनाने की विधि। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर डैश से बनी है? तो सिंधु घाटी से जो भी वृषभ मोहर प्राप्त हुई है, ये सेलखड़ी पत्थर से बनी है। राइट आंसर ऑप्शन ए, सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित थीं? ये उच्च वर्ग से संबंधित थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उच्च वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है ये एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल तथा कालीबंगा दोनों हैं, लोथल और कालीबंगा दोनों ही हड़प्पा काल के स्थल हैं। तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी, हड़प्पा कालीन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल डैश काल अवधि यानी समय से संबंध रखता है। धौलावीरा किस समय से संबंध रखता है? तो ये सिंधु घाटी काल से संबंध रखता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंधु घाटी काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पकी हुई ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प मातृदेवी किस सामग्री से बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी मृण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प पुरुष धड़ डैश से बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी लाल चूने का पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? भारतीय कला का जो सबसे प्राचीन केंद्र है, राइट आंसर ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता से ही सबसे प्राचीन केंद्र मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सभी जगहों पे भारतीय कला दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन डी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। NVS, KVS, DSSB, UGC, TGT, PGT सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और सभी क्वेश्चन को अपने आप वीडियो को रोक के भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने चैनल पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों की सीरीज़ दी है। जो भी एग्ज़ाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने पहले ही करवा दिए हैं, तो आप उन सभी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्रश्नों की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।